अभी हम हैं ग्वादर में, बलूचिस्तान के नए उभरते हुए शहर ग्वादर, जहां पर सीपेक का चाइना के तावन से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और ये अब हम आ गए हैं मेरीन ड्राइव पे। अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं स्टेडियम, यहां पर नया बना है क्रिकेट स्टेडियम। सामने आपको देखें पहाड़, और पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए नज़र आ रहा है। राइट साइड पे हमारे समंदर है। ये आप देखें जी पेट्रोल कैसे भर रहा है, जैसे एटीएम की मशीन है वो। आप देखें कि लोकल टाइप का जो है ना पेट्रोल है, यहाँ पर ज़्यादातर ईरानी पेट्रोल अवेलेबल होता है। पहाड़ों की एक वसी दीवार है और उस पे कुदरत की सनाई का बेहतरीन नमूना है। खुद ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी रोमन एम्पायर में हैं या किसी ऐसे लग रहा है जैसे मैन मेड स्ट्रक्चर हो, मगर यह है कुदरत का शाहकार। और राइट साइड पे बोट्स हैं, जो फिशिंग बोट्स हैं यहाँ पर, ट्रेडिशनल ओल्ड ट्रेडिशनल वुडन बोट्स। और ये सामने जो है आप देखें क्या खूबसूरत सा पहाड़, और यानी पहाड़ है या दीवार है उस पे नक्शबंदी की गई है, नक्काशी। तो ये अब हम आ गए हैं क्रिकेट स्टेडियम नया बना है, जो सेनेटर मोहम्मद इसहाक बलोच के नाम से है। थोड़ा सा हम बाहर से हम आपको इसका व्यू करवा देते हैं जी। ये स्टेडियम है, पीछे उसके जो है वो पहाड़ है, और ये खूबसूरत सा स्टेडियम है। और पहाड़ अपनी तमाम तर हुसन के साथ जलवा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी देवमालाई दास्तान का हम हिस्सा है, या ये कोकाफ का कोई हिस्सा है। एंड द वाइब वी आर गेटिंग ओवर हियर इज मैसिव। अभी हम जा रहे हैं इसी पहाड़ पे ऊपर। इसके जाने के दो रास्ते थे, एक सीढ़ियों से चढ़ के पैदल ऊपर जाएं, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल लग रहा है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो अभी हमने यहाँ से एंट्री करवा ली है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर आपको सामने उस तरफ पीसी नज़र आ रहा है। ये हमारे लेफ्ट साइड से हम गुजर रहे हैं ग्वादर के पीसी होटल से। ये रोड सीधा दिख रहा है कि जा रही है समंदर की तरफ। सो यू जस्ट गो एंड डाइव इनटू द सी। अभी हमारा ग्वादर से वापस कराची का सफर शुरू हो रहा है। तो चलिए वापसी में भी हम देखते हैं, खूबसूरत व्यूज़ भी देखते हैं, दिखाते हैं आपको, और कुछ और कोई अच्छी जगहें होंगी तो वो भी दिखाते हैं। हमने कोशिश तो की कि ऊपर गाड़ी में जाया जाए ये जहाँ पर झंडा लगा हुआ है, मगर ऊपर हम गए थे जहाँ तक रोड पक्का रोड बना हुआ था, उससे आगे जो है वो कच्चा रोड था, तो वो मुनासिब नहीं था कि हम यहाँ तक जाते, इस पॉइंट तक जाते। कुछ लोग यहाँ पर बोटिंग करके एंजॉय भी करते होंगे। ये बीच देख सकते हैं, थोड़ा सा बीच जो है वो पानी काला सा और गंदगी वाला लग रहा है, इसलिए हम नहीं नीचे बीच में नहीं गए। कुछ कुछ जगहों पर रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है, जैसा कि ये ब्रिज है ग्वादर से थोड़ा सा ही आगे। तो रात को जब हम आ रहे थे कराची से ग्वादर, तो हमने नीचे से डिटोर लिया था, डायवर्जन था, जो कि वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा पाथ। अभी हमें किसी ने बताया था कि जी रोड पे से थोड़ा सा जो है ना कट मार के आप इसी रोड पे दोबारा चढ़ सकते हैं, मगर रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और वो उस डाइवर्जन से फिर भी अच्छी है।
ग्वादर का जो है वो है एरिड डेजर्ट, एरिड क्लाइमेट। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है मेरे ये डेजर्ट का ही लुक दे रहा है। यहाँ डेजर्ट है और दूसरी तरफ थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेशन है, और वो भी डेजर्ट वाली वेजिटेशन ही है, जैसे कि ये मस्केट वगैरह है। कहीं कहीं पर ग्रीनरी भी है। माउंट्स ऑफ सैंड डेवलप होने शुरू हो गए हैं, तो ये अब हिल्स फॉर्मेशन में होते जा रहे हैं। हिल्स फॉर्म हो रही है छोटी छोटी सी दोनों तरफ, इस तरफ कुछ कम है, इस तरफ कुछ ज़्यादा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये सैंड ड्यून्स से फिर जो है वो सैंड हिल्स, और सैंड हिल्स से फिर ये सैंड माउंट्स, एंड माउंट से फिर सैंड माउंटेंस बनते जा रहे हैं। गुजर रहे हैं पसनी के पास से, ये जंक्शन आ गया है, तो राइट साइड पर पसनी को रास्ता जा रहा है और लेफ्ट साइड पर ये कराची को रास्ता जा रहा है। और ये दिखा रहा है और माड़ा भी इसी तरफ जा रहा है और कराची भी। अब आप देख सकते हैं कि रोलिंग हिल्स शुरू हो गई हैं। अब इस इलाके में जो है वो माउंटेन्स का एक सिलसिला शुरू होता जा रहा है। यहाँ से कराची तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब है। पसनी हमारे पीछे रह गया है और सामने आप देखें कि छोटी हिल्स और उनके पीछे बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं। माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये आइसक्रीम के पहाड़ हैं और उस पर चॉकलेट की टॉपिंग है, वनीला आइसक्रीम उसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग, क्या तो मंजर कशी की है भाई। अभी जो फॉर्मेशंस पहाड़ियों की नजर आ रही है वो इस तरह है कि जैसे एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी के पैरेलल रन कर रही है, ऐसे लग रहे हैं कि एक दीवार सी खड़ी है और एक दीवार दूसरे दीवार के बराबर में है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी है, फिर उसके पीछे दूसरी पहाड़ी है और पीछे से दूसरा बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, पैरेलल रन कर रही है। इसी तरीके से आप इस तरफ भी देखें, ये भी देखें कि दो साथ साथ जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ साथ साथ चल रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम दो दीवारों के बीच में से गुजर रहे हैं, दो या चार दीवारें, दो इस तरफ राइट साइड पर हैं, दो लेफ्ट साइड पर हैं। और कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनकी नोकीली सी चोटियां हैं, जैसे केटू के पहाड़ दिखते हैं। और ये जो मेरे लेफ्ट साइड पर पहाड़ है इसमें सुराख सुराख बने हुए हैं, ये पता नहीं विंड एक्शन की वजह से है या कोई और है, मगर मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी है जैसे छोटी छोटी सी केव्स बनी हुई हैं और ये एक हसीन मंजर पेश कर रही है। लेफ्ट साइड पे देखें पैरामिड्स बने हुए हैं जैसे ऊपर, जैसे कि अहराम मिस्र। पहाड़ी पे देखें तो एक बाज सा नजर आ रहा है, चील है या बाज है या कोई वल्गर है। बाइकीज आए, मंचल है बाइकीज, बगैर हेलमेट के बगैर किसी गियर के डबल सवारी। क्या पहाड़ है, पहाड़ शानदार, क्या तो माशाल्लाह, देखें तो सही ना कि यानी कि डायगनल उनकी जैसे कटिंग है और उसमें वो रूम्स बने हुए हैं। शेर मुझे याद आ रहा है, जो रुके तो कोहे ग्रां थे हम,
अगर आप गुजर गए तो फिर आप जहाँ से भी गुजर गए कि वाकई ये कोई घरां है। लेकिन यहाँ पे इस शहर में जो है वो अज़म की सख्ती और अज़म की पुख्तगी की बात की जा रही है। क्या तो फॉर्मेशन है दिख रहा है। पहाड़ी जैसे अलग मॉन्यूमेंट है, अलग उसकी जो अलग स्टोरी होती है। शहर खामोशा होता है, ये शहर पहाड़ा जबला। इस तरह राइट देखो, लेफ्ट देखें, इनक्रेडिबल, अमेजिंग प्लेस। लेफ्ट साइड पे देखें, किला बना हुआ है, सिपाही जैसा होता है ना, वैसे खड़ा है। एक तरफ लेफ्ट साइड पे पहाड़ हैं या पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, क्या कहते हैं, हिल्स हैं, और